जिला कोडोना प्रखंड डोमचांच के अंतर्गत मसनोडी पंचायत के गरहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में स्कूल समिति प्रबंधक के अकाउंट से शिक्षक द्वारा 64,000 रुपया का गबन किया गया है, जिसके कारण स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं छात्र छात्राओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं विंती विश्वकर्मा और ये हमारे हरिजन समुदाय के लोग। तो मास्टर है गरहा क्षेत्र का, तो ये उपदेश है, तो पैसा जो था पासबुक में तो बोला कि चलिए, वो था इतनी बाउंड्री उन्ड्री का पैसा था, तो बोला चलिए पैसा निकालना है। तो हम तो बोले कि पैसा निकालिएगा तो किस लिए, हमरा उसका हिसाब दीजिएगा ने। तो उससे हिसाब हम लोग मांगे तो बोला नहीं, इससे बोल चलिए ना इतना काम है ऐसे निकालेंगे। तो उसमें था 1,10,000 थी, 1,40,000 रुपया पासबुक पर, वो हमारा ले गए, ले गए। तो यहाँ पे कि आपको कितना पैसा निकालने के लिए बोल के ले गया? ले गए, कुछ नहीं बोला, खाली बोला कि 10,000 रुपया। अब जब हम साइन किए तब देख रहे हैं फार्म में 64,000, और उसका हम बोले कि आप बोले 10,000 और 64,000 या क्या निकाल रहे हैं? बोला है काम है, इधर उधर करवाएंगे। शेष पैसे फिर कितना बचे हैं, जो फोर्जरी में निकासी हुआ वो कितना है? शेष मैम, ये शेष पैसा क्या था कि जिस समय पूर्व में रामचंद्र ठाकुर यहाँ के पूर्व शुरू में सचिव थे यहाँ पे, उस समय 1,20,000 रुपये यहाँ पे आया, बिल्डिंग के अलावे, पूर्व बिल्डिंग के अलावे 1,20,000 रुपये, जो कि उन्हें भी पता नहीं था। उन्होंने इस बिल्डिंग का कार्य पूर्ण कर वापस गए, हमें प्रभार देकर गए कि इतना पैसा है, और वह पैसा का प्रभार देकर दिनेश जी को दिया। दिनेश जी आते के साथ ही अपने नए अध्यक्ष नए उपाध्यक्ष से मिलकर 64,000 का गबन कर अभी तक उस राशि का पता नहीं को लोग जमा किए या नहीं, हमें मालूम। तो इसमें अभी आप मतलब इसमें जो समस्या है इसमें आप क्या क्या अभी तक कार्रवाई कर चुके हैं? हम ये कार्रवाई कर चुके हैं, मैम DAC से चिट्ठी ला चुके हैं, ठीक है, DAC से फॉरवर्डिंग कराए थे कि 64,000 का सर गबन कर लिए, वो भी चिट्ठी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। हमें निकासी कर राशि देने है, निर्देश को निर्देश दिया जाए, आदेश दिया जाए कि निकासी कर 46,600 रुपये मुझे दिया जाए, वह भी चिट्ठी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ तक कि BRC से भी उनके ऊपर एक FIR कागज़ है, वह भी दिनेश जी को दिया गया, जो अभी तक वह रिसीव नहीं की है, और ना ही 64,000 का वापस 64,000 वापस कर। जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि पैसा गबन है, तो इस पे आप कुछ बताइए। पैसा जो गबन का आरोप लगाया जा रहा है ये किसी निजी व्यक्ति का नहीं है, ये विभाग की है, और विभाग ने हमें क्या आदेश दिया उस आदेश के अनुसार हमने कार्य किया। अतः इस वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से मैं नम्र अपील करती हूं कि प्रखंड डोमचांच के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री नारायण ठाकुर का नंबर 9934935997 पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएं, ताकि जल्द से जल्द शिक्षक द्वारा गबन किया गया पैसा शिक्षा प्रबंधक समिति को वापस मिले, ताकि स्कूल का जो पाकशाला है वह पूर्ण हो सके। मैं विंती विश्वकर्मा, जिला कोडरमा, झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।